स्टूडेंट, हमने पिछली वीडियो में इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में डिस्कस किया था। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ एक्सरसाइज 1.1, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। Now we discuss the first part of this question, relation R. हमने इस relation को tabular form में denote किया है 1, 3, 2, 6, 3, 9, 4, 12। उसके बाद पहले हम discuss करते हैं this is reflexive or not, since 1, 1 does not belong to R, that is, it is not reflexive. हम इसमें क्लियरली देख रहे हैं कि ना तो यहाँ 1, 1 है, ना 2, 2 है, ना 3, 3 है, ना 4, 4 है। इनमें कोई भी एलिमेंट अपने एलिमेंट के साथ ordered pair नहीं रख रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि it is not a reflexive. Now, we discuss symmetry. Since 1, 3, belong to R, but 3, 1 does not belong to R. 1, 3 तो R के अंदर है, लेकिन 3 और 1 R के अंदर नहीं है। 1, 3 का ordered pair मिल रहा है, 3, 1 का ordered pair नहीं मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं then we can say R is not a symmetry. बाकी भी और भी element हमारे हैं, जैसे 2, 6 है, 2, 6 belong to R, बट 6, 2 डज नॉट बिलोंग टू आर। तो किसी भी एलिमेंट में अपने अगर एलिमेंट को उलट पलट कर देते हैं तो वो एलिमेंट आर को बिलोंग नहीं करता है, हम कह सकते हैं कि ये सिमेट्रिक नहीं होगा। चलिए अब बात करते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में देख रहे हैं कि 1, 3 के साथ में ऑर्डर्ड पेयर आर को बिलोंग करता है और दूसरा 3, 9 वो R को बिलोंग करता है, लेकिन 1, 9 R को बिलोंग नहीं करता है, जिसकी वजह से ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। मैंने बताया था कि अगर पहली कंडीशन A, B बिलोंग टू R एंड B, C आल्सो बिलोंग टू R, देन द थर्ड कंडीशन मस्ट बी बिलोंग टू R, AC बिलोंग टू R. लेकिन इन दिस केस यहाँ पे पहला एलिमेंट R को बिलोंग कर रहा है, दूसरा ऑर्डर्ड पेयर भी R को बिलोंग कर रहा है, लेकिन तीसरा ऑर्डर्ड पेयर R को बिलोंग नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। नाउ सेकेंड पार्ट में हमने रिलेशन को एक टेबुलर फॉर्म में लिख लिया है, जिसमें एलिमेंट आए 1, 6, 2, 7, 3, 8। अब हम चेक करते हैं कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा। तो फर्स्ट रिफ्लेक्सिव के लिए देखते हैं, सिंस 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 डज नॉट बिलोंग टू R, इनमें कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ऐसा नहीं है जिसमें हर एलिमेंट अपने ही एलिमेंट के साथ एसोसिएट हो रहा हो, दैट इज R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो R रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब बात करते हैं सिमेट्री। सिमेट्री में हमने देखा 1, 6 बिलोंग टू R, बट 6, 1 डज नॉट बिलोंग टू R. 1, 6 R को बिलोंग कर रहा है, लेकिन 6, 1 R को बिलोंग नहीं कर रहा है। तो अगर एलिमेंट को उलट पलट करें तो वो भी तो बिलोंग करना चाहिए R को, जबकि यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सिमेट्री नहीं होगा। अब थर्ड ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं। ट्रांजिटिव में देखिए 1, 6 बिलोंग टू R एंड नो ordered पेयर इन R विच हैज 6 एज द फर्स्ट एलिमेंट, दैट इज R इज ट्रांजिटिव। मैंने बताया था, अगर आपको याद होगा, मैंने कहा था कि अगर एक कंडीशन हमें मिलती है A, B बिलोंग टू R और दूसरी कंडीशन उसके अंदर है ही नहीं, यानी बी का सी के साथ कोई ऑर्डर्ड पेयर है ही नहीं, तब हम क्या कहेंगे कि दिस इज आल्सो ट्रांजिटिव।
अगर पहला एलिमेंट मिल रहा है, दूसरा भी मिल रहा है, तब तीसरा भी मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है कि पहला एलिमेंट तो हमें मिल रहा है पर दूसरा एलिमेंट नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से ये ट्रांजिटिव होगा। तो इसका मतलब क्या है कि सेकेंड पार्ट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्री एंड ट्रांजिटिव। सिमेट्री भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, लेकिन ट्रांजिटिव होगा। आगे चलते हैं, थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट में दिया हुआ है R इज इक्वल टू, मैंने R को पूरा सेट बना के लिख लिया है, इसमें देख सकते हैं 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 2 2 4 2 6 3 3 4 4 5 5 6 6। तो पहले चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए हमने देखा ऑल x x बिलोंग टू R, 1 1 बिलोंग टू R, 2 2 बिलोंग टू R, 3 3 बिलोंग टू R, 4 4 बिलोंग टू R, 5 5 बिलोंग टू R, 6 6 इज आल्सो बिलोंग टू R। देयरफॉर दिस इज रिफ्लेक्सिव। मैंने कहा था कि आइडेंटिटी एलिमेंट किसी भी रिलेशन में मिलने चाहिए, बाकी और कोई हो या ना हो। तो सारे हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहे हैं, इसका मतलब है कि ये रिफ्लेक्सिव होगा। नाउ वी डिस्कस फॉर सिमेट्री। सिंस 2, 6 बिलोंग टू R, बट 6, 2 डज नॉट बिलोंग टू R। 2 और 6 R को बिलोंग करते हैं, लेकिन 6 2 R को बिलोंग नहीं कर रहा है। इनवर्स एलिमेंट उसमें मिल ही नहीं रहा है, तो इसलिए ये क्या होगा, नॉट ए सिमेट्री। R इज नॉट ए सिमेट्री। ऐसे ही हम आगे ट्रांजिटिव के लिए डिस्कस करते हैं। ट्रांजिटिव में 1, 2 बिलोंग टू R, 2, 4 बिलोंग टू R, देन implies 1, 4 इज also बिलोंग टू R, दैट इज R इज ट्रांजिटिव। भाई पहला एलिमेंट हमें मिल रहा है, दूसरा एलिमेंट भी हमें मिल रहा है, तब हम कह सकते हैं कि तीसरा एलिमेंट भी होना चाहिए, जो कि हमें यहाँ मिल रहा है। अगर तीसरा एलिमेंट भी हमें मिल जाता है, तब हम कह सकते हैं दैट इज ट्रांजिटिव। अब नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और मैं ले सकता हूँ। सिंस 1, 3 बिलोंग टू R एंड 3, 3 बिलोंग टू R, देन implies 1, 3 इज also बिलोंग टू R। तो कंडीशन हमें मिल रही है, इसलिए ये ट्रांजिटिव होगा। चलिए अब बात करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है R इज ए रिलेशन इज इक्वल टू एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। अब हमें ये बताना है कि एक्स माइनस वाई इंटीजर भी होना चाहिए और वो रिफ्लेक्सिव सिमेट्री ट्रांजिटिव है या नहीं है। सिंस एक्स माइनस एक्स, हमने दो एलिमेंट लिए एक्स एक्स, अगर इन दोनों का हमने डिफरेंस देखा तो वो जीरो आता है। तो जीरो डिफरेंस आने का मतलब क्या है, जीरो हम जानते हैं इज एन इंटीजर, जीरो इज आल्सो एन इंटीजर नंबर, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। तो आर हमारा क्या है यहाँ पर, रिफ्लेक्सिव होगा। चलिए अब बात करते हैं सिमेट्री। सिमेट्री में हम देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल 1, 2 बिलोंग टू R, इंटीजर 1 इज आल्सो इंटीजर, 2 आल्सो इज इंटीजर, तो 1, 2 बिलोंग टू R। Therefore, now we find the difference between them, 1 minus 2 is equal to minus 1 and 2 minus 1 is equal to 1. Therefore, we get minus 1 and 1, both are integer. That is, R is symmetry. So, R hamara kya hai yahan par? Symmetry hoga. Ab baat karte hain transitive ki. Transitive mein dekhiye, since xy belong to R, y z belong to R, therefore x z must be belong to R। या इसको ऐसे समझ सकते हैं कि x minus z, हमने कोई दो एलिमेंट ले लिए x और z, ordered pair लिया x और z का, therefore the difference between them x minus z is equal to can be written by x minus y plus y minus z। इसमें y add कर दिया और subtract कर दिया, तो हमें यहाँ से दोनों separate पेयर मिल जाएंगे x माइनस वाई
प्लस वाई माइनस जेड, दैट इज ऑल्सो ए इंटीजर. तो हम कह सकते हैं कि आर इज ट्रांजिटिव, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव. बात करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट. फिफ्थ पार्ट सेम ऐसा ही है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको, वो इजीली हो जाएगा, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है. अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टू की. क्वेश्चन नंबर टू में रिलेशन दिया हुआ है ए कॉमा बी सच दैट ए इज लेस देन एंड इक्वल टू बी स्क्वायर, वेयर ए कॉमा बी बिलोंग टू आर. अब हमें पहले ये चेक करना है. अब यहाँ आर, आर मीन्स रिलेशन नहीं, आर मीन्स यहाँ पर रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर दिया हुआ है. तो अब हम इसमें क्या करते हैं, पहले रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव को चेक करते हैं. एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिससे कि कंडीशन हमारी यहाँ पर फेल हो रही हो, क्योंकि रियल नंबर में तो इंटीजर्स भी आते हैं, रेशनल नंबर भी आते हैं. तो हमने यहाँ क्या किया है, इसको चेक किया गया है कि 1 by 2 के लिए, कि अगर 1 by 2 पे ये रिफ्लेक्सिव होता है तब हम कह सकते हैं कि सभी सेट पर, पूरे रियल नंबर पर ये रिफ्लेक्सिव होगा. नाउ वी चेक 1 by 2 इज लेस देन एंड इक्वल टू 1 by 2 का होल स्क्वायर. तो 1 by 2 इज लेस देन एंड इक्वल टू 1 by 4. 1 by 4 क्या ये पॉसिबल है? 1 by 4, 1 by 4 से छोटा 1 by 2 हो ही नहीं सकता. तो इसका मतलब क्या है कि R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, R हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा. अब बात करते हैं सिमेट्री की. सिमेट्री में ऐसे ही हमने एक एग्जांपल लिया -1, 3 जो कि बिलोंग करता है R को, बट 3, -1 डज नॉट बिलोंग टू R. अगर इसको उल्टा करें तो ये R को बिलोंग नहीं करेगा. क्यों नहीं करेगा? अब देखिए तो -1 is less than and equal to 3 का स्क्वायर. 3 स्क्वायर मतलब 9. तो -1 is also less than 9. हमें क्लियर यहाँ दिख रहा है कि -1 9 से छोटा है, बट 3 का स्क्वायर is equal to 9 which is not less than -1. That is not possible. तो हम कह सकते हैं कि R is not symmetry. R is not a symmetry. Now we check for transitive. Transitive के लिए ऐसी इसमें भी example ले लेते हैं. Suppose 2, -3 belong to R and -3, -1 belong to R, but 2, 1 does not belong to R. 2, 1 R को belong नहीं करेगा. आप करके देख लीजिएगा, वो इसको belong नहीं करेगा. तो हम कह सकते हैं R is not transitive. चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की. क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमने R रिलेशन का एक सेट बनाया है 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6. तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम पहले चेक करते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा. तो रिफ्लेक्सिव में हमने क्या किया है, वही दो एलिमेंट हमने ले लिए, x x डज नॉट बिलोंग टू R. क्यों? क्योंकि देखिए 1, 1 अगर हम लेते हैं तो 1, 1 R को बिलोंग नहीं कर रहा है. इसका मतलब है कि R इज नॉट रिफ्लेक्सिव. हर एलिमेंट अपनी ही इमेज का ऑर्डर पे रख ही नहीं रहा है, तो R हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा. चलिए आगे चलते हैं सिमेट्री पे. सिमेट्री में हमने देखा 1, 2 बिलोंग टू R, बट अगर इसकी रिवर्स इमेज देखें 2, 1 डज नॉट बिलोंग टू R. 1, 2 तो R में है लेकिन 2, 1 R के अंदर नहीं है. तो हम कह सकते हैं कि R इज नॉट सिमेट्री, R हमारा सिमेट्री नहीं होगा. तो अब बात करते हैं हम ट्रांजिटिव के लिए. ट्रांजिटिव में देखिए, सिंस 1, 2 बिलोंग टू R एंड 2, 3 इज ऑल्सो बिलोंग टू R, बट 1, 3 डज नॉट बिलोंग टू R, दैट इज R इज नॉट ट्रांजिटिव. मैंने आपको बताया था कि अगर हमें पहली कंडीशन मिल रही है और दूसरी कंडीशन मिल रही है तो तीसरी कंडीशन भी जरूर मिलनी चाहिए.
अगर तीसरी कंडीशन हमें नहीं मिलती है तो हम कह सकते हैं कि दैट इज़ नॉट ए ट्रांजिटिव, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की। क्वेश्चन नंबर फोर में आते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर में दिया हुआ है R इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए इज लेस देन एंड इक्वल टू बी। वैसे तो ऐसा क्वेश्चन हम एक ऊपर कर चुके हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि यहाँ स्क्वायर वगैरह तो दिया नहीं है इसके अंदर, इसलिए हम इसमें फिर से चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक के लिए। तो पहले रिफ्लेक्सिव पे आते हैं। रिफ्लेक्सिव हम जानते हैं हर एलिमेंट अपने के बराबर और उससे छोटा भी हो सकता है, तो इसका मतलब है कि पहली कंडीशन हमारी फॉलो हो रही है, एक्स एक्स बिलोंग टू आर, इट मीन्स आर इज रिफ्लेक्सिव। तो फर्स्ट हमारा क्लियर हो गया, रिफ्लेक्सिव है। अब हम चेक करते हैं सिमेट्री के लिए। तो सिमेट्री में हमने देखा 2,3 बिलोंग टू आर। अगर 2,3 लेते हैं तो वो आर को बिलोंग करेगा। देख लीजिए 2 इज लेस देन एंड इक्वल टू 3, यानी कि 3 से छोटा है, इसलिए हमारा 2,3 बिलोंग टू आर। बट 3,2, 3 इज लेस देन एंड इक्वल टू 2, 2 से 3 लेस देन हो ही नहीं सकता, दैट इज नॉट बिलोंग टू आर, ये इसको आर को बिलोंग नहीं करेगा। Therefore, R is not symmetric. तो R हमारा symmetric नहीं होगा। अब हम बात करते हैं transitive की। तो transitive में देखिए, transitive में क्या दिया हुआ है, X is less than and equal to Y और Y is less than and equal to Z. Therefore, must be equal to X less than and equal to Z. तो हमारा R transitive होगा। Okay, thank you.